बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। जहाँ एक और सरकार ने प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, वहीं सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और इंचार्ज विद्यालय में व्याप्त कमियों और बच्चों में कमी बताकर सरकार की मंशा और आदेशों को दरकिनार कर बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। एक समाज सेवी संस्था संचालक लगभग एक दर्जन बच्चों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और गरीब बच्चों का सरकारी विद्यालय कलवारी में एडमिशन कराने की गुहार लगाई। हम यहाँ आगरा में क्योर संस्था के द्वारा 9 गांव में बाल मित्र गांव बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम जो है बाल मित्र गांव में हम बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करते हैं और कोई बच्चा मजदूरी में ना हो, ये बात को सुनिश्चित करते हैं। तो बच्चों को लेके जो आए हैं आप, ये कहाँ के बच्चे हैं और क्या? ये कलवारी गांव के बच्चे हैं, दोरेठा गांव के हैं, लड़ामदा गांव के हैं। तो इन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसी सिलसिले में हम डीएम साहब से मिलने आज आए थे। कितने बच्चों को लेके आए हैं आज? हम यहाँ पे 8 बच्चे हैं हमारे साथ कलवारी गाँव के। जिस समस्या के लिए आए थे उसका डीएम साहब का क्या? डीएम साहब ने सुनिश्चित किया है कि इनके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और सीडीओ मैडम के लिए आदेश भी दिया है कि अभी हम सीडीओ मैडम से मिलने जा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने मना कर दिया था क्लियरली कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। कारण ये था कि बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, बच्चों से पढ़वा के देखा जा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पाया तो ये पढ़ नहीं पा रहा, इसको हम एडमिशन नहीं लेंगे। शिक्षा से वंचित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बच्चों में अधिकांश लड़कियां हैं जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ना चाहती हैं, लेकिन आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में इनका दाखिला विद्यालय में नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कही थी स्कूल में जगह नहीं है, आधार कार्ड लेकर जब नाम लिखेगा। तो आधार कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं, आधार कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड लेकर तो एडमिशन हो जाएगा? नो, कह रहे थे, आए थे आधार कार्ड लेकर जन्म पत्र लेकर आई है, जब आधार कार्ड नाम लिखेगा और तुम बड़ी होगी अपने नाम नहीं लिखेगा स्कूल में। हमारी मम्मी पापा स्कूल में गए थे तो उन्होंने कह रहे थे कि नाम पे कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। एडमिशन लेके थे आप? हाँ। क्या कहा फिर उन्होंने? उन्होंने कह रहे आधार कार्ड लेकर आएंगे तो लिखेंगे, तुम नहीं सर ने। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि आधार कार्ड के अभाव में सरकारी लाभकारी योजनाओं से किसी को वंचित ना किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद बेटियां शिक्षा से वंचित दिखाई देती हैं और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।